बिहार में जीविका दीदियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जीविका दीदियां अपनी मानदेय में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले बछवाड़ा जीविका प्रखंड इकाई के कैडरों ने प्रखंड मुख्यालय के सुमेधा विवाह भवन बछवाड़ा में जीविका कैडरों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक का नेतृत्व जीविका कैडर के जिलाध्यक्ष अरविंद पासवान ने किया। वही जीविका कैडर के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध सीएलएफ कार्यालय परिसर में जमा होकर प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी करते हुए बछवाड़ा बाजार स्थित एसबीआई बैंक से थाना रोड बछवाड़ा होते हुए प्रखंड मुख्यालय के रास्ते सुमेधा विवाह भवन तक पहुंचे, जहां प्रदर्शन बैठक में तब्दील हो गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद पासवान ने की। मंच संचालन प्रखंड सचिव अमर कुमार ठाकुर ने किया। बैठक के दौरान जीविका प्रदेश कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नैया यादव, महासचिव विवेक कुमार, मधेपुरा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार और जिला सचिव ओणम अंसारी और जिला कोषाध्यक्ष आरती कुमारी को स्थानीय नेतृत्व ने फूल माला और अंगवस्त्र से सम्मानित किया। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लगातार जीविका दीदियों का शोषण कर रहे हैं और काम के अनुकूल मानदेय नहीं दे रहे हैं। फिलहाल उनके द्वारा एक कला कानून पास किया गया है, जो कि जीविका दीदियों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की मांगों को नहीं माना गया तो बिहार प्रदेश जीविका संघ के बैनर तले अनवरत हड़ताल जारी रहेगा। जिला कोषाध्यक्ष आरती कुमारी, जीविका कैडर जूही कुमारी और राजमती देवी ने बताया कि 2 सितंबर को बिहार सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया गया है, जिसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग प्रदर्शन के लिए नया तरीका अपनाते हुए सड़क जाम और पुतला दहन करेंगे। इस दौरान जीविका दीदियों ने 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं सहित कई तरह के मांगों को लेकर नारेबाजी की। जीविका दीदियों ने बताया कि जीविका परियोजना में कार्यरत कर्मियों की मानदेय प्रणाली ठीक नहीं है और बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। जीविका दीदी ने यह भी बताया कि जीविका में तैनात पदाधिकारी के द्वारा हमेशा नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। प्रदर्शन कर रही जीविका दीदियों के समूह ने कहा कि हम लोगों के मानदेय प्रति 2000 रुपया दिया जाता है, इससे क्या होने वाला है। यही नहीं, उक्त मानदेय देने में भी सरकार कोताही बरत रही है, समय से नहीं दिया जाता है, जिससे 4 महीने से मानदेय के रूप में 1 रुपया तक नहीं मिला है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोगों के मानदेय 2000 रुपया नहीं बल्कि 20,000 रुपया होना चाहिए, अन्यथा हम लोग काम छोड़ देंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।